नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी शार्ट संग्रह क्लास 6 से 12 जो कि आपका ये किताब 1 लाइनर है, ठीक है। और इस किताब से हम लोग इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो है चैप्टर नंबर 20, ठीक है। तो एक मिनट आपको स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट हो, ठीक है। तो भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो भी है उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 20 भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, ठीक। तो देखिए, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर स्टेशन का नाम क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है, तो भारती नाम से वर्ष 2012 में भारतीय चावल शोध संस्थान, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो कटक ओडिशा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ स्थित है, तो आपका कानपुर में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दूध विकास परिषद, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है, तो आनंद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्थित है सोलन हिमाचल प्रदेश में। सच वानिकी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है, झांसी उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंटर एरिड जोन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? तो आपका सूरत गुजरात में स्थापित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो धनबाद झारखंड में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। अभी हम पढ़ेंगे बॉक्स आपका भारत के प्रमुख संस्थान इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो पहला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान रांची में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। ठीक है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। कपड़ा उद्योग
अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में भारतीय रक्षा प्रेस नासिक में उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल साल्ट एंड मैरिन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में स्थित है। तो अब हम एक बार स्पीड में रिवाइज करेंगे जो हमने आज पढ़ा, ठीक है। तो चलिए, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध कर अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन का नाम क्या? तो दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1984 में स्थापित हुआ था। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? तो भारतीय नाम से। वर्ष 2021 में भारतीय चावल शोध संस्थान इंडियन राइस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपका कटक उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपका करनाल हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ स्थित है? तो आपका कानपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद के गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी आपका कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद के तेलंगाना में, ठीक है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्थित है आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में। शस्य वानिकी क्रॉप फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका झांसी उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल हाइट जोन रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आपका हैदराबाद के तेलंगाना में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। भारतीय हीरा संस्थान आपका इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट आपका कहाँ स्थापित है? तो आपका सूरत गुजरात में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपका धनबाद झारखंड में। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत के प्रमुख संस्थान इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान आपका उड़ीसा में। केंद्रीय काज तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आपका नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में। डिस्ट्रिक्ट विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपका देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान आपका रांची में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून में। और भारतीय मौसम वेधशाला आपका पुणे में है, ठीक है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान आपका मुंबई में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका पणजी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आपका अहमदाबाद में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में। और उच्च अक्षांश
अनुसंधान संस्था प्रयोगशाला पर गुलमर्ग में और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल शार्लटेन मैरिन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 21 होगा जो कि आपका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, तो नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनेजमेंट से होगा। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।